स्थानीय विधायक और बीजेपी के नेता श्री अतुल भातकर और नगर सेविका सुनीता यादव के हाथों 10वीं और 12वीं में फर्स्ट क्लास से पास हुए छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जहां पर भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और छात्रों के पेरेंट्स मौजूद थे। ये पहली बात तो मैं वार्ड क्रमांक 24 और 29 के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज उन्होंने एक बहुत प्रशंसनीय इस प्रकार का कार्यक्रम, जो इस विभाग के मेधावी छात्र है उनके अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। साथ साथ में जो इस विभाग के छात्र है जिन्होंने अच्छे मार्क लेकर इम्तिहान में वो पास हुए हैं उनके भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके आगे के जीवन के लिए बहुत सारी शुभेच्छा देता हूँ। कांदिवली पूर्व विधानसभा के अंदर 2 विद्यार्थिनियों को 100% मार्क 10वीं के एग्जाम में मिले और एक विद्यार्थी जो IIT के लिए अपीयर हुआ था, जो स्लम में रहता है, ऐसे विद्यार्थी रैंक होल्डर 5 लाख विद्यार्थियों में वो 800 क्रमांक लेके आया, इसके लिए हमने उसका भी सत्कार किया और इसके लिए हमने सोचा कि इस बार सभी मेधावी छात्रों का सत्कार करने का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर साल की तरह अतुल जी ने जो ये कार्यक्रम फेलिसिटेशन डे का आज रखा, बच्चों को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम, ये सचमुच बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बच्चों को फेलिसिटेट नहीं करेंगे तो उनको प्रोत्साहन भी मिलना ज़रूरी है और वो हर साल ये कार्यक्रम लेते थे लेकिन इस बार हम लोगों ने टुकड़ों में लिया कि इकट्ठे लेते थे, इसके अलावा हमने हर वार्ड में लिया है ये कार्यक्रम, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। अभी अतुल जी ने बताया और हम लोग 100% लाने वाली 2 विद्यार्थिनी हैं हमारे वार्ड से, वार्ड नंबर 24 से, हमने जाके उनको प्रोत्साहित किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेटियाँ जो है वो आज भी आगे हैं और 100% मार्क लिए हैं, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए मैं और अतुल जी और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम साथ में उनको प्रोत्साहन देने के लिए घर गए थे, उनका सत्कार किया और प्लस उनके जो परिवार ने उनका सपोर्ट किया, और एक बच्चा जब पढ़ता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए उनका परिवार ही खड़ा रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इस तरह लोगों के पास जा रहे हैं और उनका प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिससे कि हमारे आने वाला भविष्य ये बच्चे ही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जिस तरह प्रतिभाशाली बच्चे आजकल 80+ तो बहुत से लोगों को मिल रहे हैं लेकिन कॉम्पिटिशन का ज़माना है और उन लोगों को इस तरह हम लोग प्रोत्साहन देंगे तो हमारा देश का भविष्य और उज्ज्वल होगा जी। ये कार्यक्रम सफल बनाने में मेरे पूरे वार्ड के सभी कार्यकर्ता का सहभाग है, सभी ने मिलकर ये कार्यक्रम सफल किया है, मेरा अकेले का श्रेय नहीं जाता है, सभी कार्यकर्ता को श्रेय जाता है। प्रतिभावान छात्रों के लिए यही कहूँगा कि आज उन्होंने यहाँ पर जो सम्मान प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम बढ़ा है, वैसे ही और आगे भी भविष्य बाकी है, और भी इसी तरह और मेहनत करते और आगे जाते रहिए और ऐसे ही सम्मान प्राप्त करते रहे, वैसे ही मैं सभी छात्रों को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम दिनेश अग्रवाल है, मैं राजस्थान युवा संघ कांदी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। मैं इस स्टेप को हमारे आमदार साहब के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये उन्होंने ये स्टेप लिया है और हर एक वार्ड में ये चीज़ कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है और 80 से 100 तक के बच्चों लोग को पुरस्कारित किया जा रहा है, फेलिसिटेट किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है बीजेपी का ताकि बच्चों को आगे प्रोत्साहन। मेरा नाम यशा दोषी है एंड आई हैव स्कोर्ड 97.8%। बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे भी, मेरे पेरेंट्स को भी, लाइक ऐसा फेलिसिटेशन होगा तो लाइक किसी को भी प्राउड फील होगा, बहुत खुश है। इतनी ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की मेहनत है इसके पीछे, अगर वो लोग नहीं होते तो लाइक उसके सपोर्ट के बिना नहीं होगा, एंड ऑल्सो थैंक्स टू माई स्पोर्ट्स। मेरा नाम हेत मेहता है, मुझे भी 97.8% आया है, तो फिर मतलब अभी यहाँ पे दिया सब लोग को प्राउड फील हो रहा है, पेरेंट्स एंड मतलब सबको अच्छा लगता है। मेरा नाम मलकानी शिफा है और मुझे 81.40% आया SSC में। एक्चुअली मैं ये सब लोगों को बहुत एकदम दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, बिकॉज इन लोगों की वजह से SSC स्टूडेंट्स का इनक्रेजमेंट मिलता है ताकि वो आगे जाके अच्छे फील्ड चूज़ कर सके। और मुझे अतुल सर ने मतलब जब वो हमारे घर आए थे तो उन्होंने मुझे एकदम एनकरेज किया था कि नहीं आप कर सकते हो, आपको जो फील्ड में जाना है आप जा सकते हो, लेकिन आप आपके दिल में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उस चीज़ में इंटरेस्ट रखो और उसके लिए हार्ड वर्क करो, तो बस उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, बिकॉज उनकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं पहुँच सकती थी। मेरा नाम करण शाह है, मुझे 91% आया है।
और मेरे पीछे बहुत लोग ने मेहनत की है, बहुत लोगों की आशा थी कि लाएगा ऐसे, तो मम्मी पापा और सबके सपोर्ट के साथ है।